मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तो आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी कोविड के खिलाफ जो है भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और आज इनके भूख हड़ताल का छठवां दिन है। आज कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी जो है वो यहां पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए। सैफ पठान को उन्होंने लेटर भी दिया समर्थन का। हम बात करेंगे जो कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी जिम्मेदार है उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर आए हैं टोरेंट के मामले पर समर्थन दे रहे हैं? मेरा ये कहना है कि टोरेंट से हमको काफी तकलीफें होती है और तकलीफ के लिए जो लोग अभी जो आगे होकर जो किस तरह से धरना दे रहे हैं हम उनके साथ हैं। क्या क्या कहेंगे आप? हम तो ये कह रहे हैं कि जनता के बोल रहे सब जन आके सैफ पठान को समर्थन करे, क्योंकि वो सैफ पठान अपने लिए नहीं कर रहे ले, वो तो आवाम के लिए कर रहे। तो हम लोग कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी भी आके उनको समर्थन दे दिए। तो आपने सुना कि किस तरह से आज छठवां दिन है एमआईएम पार्टी का भूख हड़ताल का, लेकिन महावितरण के तरफ से जो है एक दो बार यहां पर कर्मचारी आए थे, पॉइंट्स इनके नोट करके लेके गए, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंच नहीं रहा है और आज छठवां दिन यहां पर है। सैफ पठान क्या कहेंगे, आज छठवां दिन आप लोगों का भूख हड़ताल का हो गया है, एक दो बार शायद शुरुआत में महावितरण के कर्मचारी आए थे, कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट करके गए, उसके बाद से क्या कोई आया है प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए पहले दिन हम लोगों को महावितरण के लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था, हमारी सब कंप्लेंट लिख के गए, फिर तीसरे दिन वो आए थे आश्वासन के साथ, हमें लेटर भी देके गए वो कि हम आपकी मांगनी पर यानी टोरेंट को लेटर दे दे रहे, हम संबंधित विभाग में लेटर दिए, तो हमने वो मांगनी सुनी है, उनके लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा कि हम हमारा अनशन नहीं वापस लेंगे, हमने आपसे कहा है कि हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट है और आप हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे, हम आश्वासन से नहीं उठेंगे। उसके बाद वो गए और हमने उनसे कहा है कि अगर आप लोग डिसीजन मेकर नहीं हो तो आप लोग आकर अपना भी टाइम वेस्ट करो और हमारा भी टाइम वेस्ट करो, हमको कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए तभी हम यहाँ से उठेंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप लोग आज छठवां दिन है आप लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पर, लेकिन एमआईएम के जो बड़े नेता हैं जैसे वारिस पठान है, फैयाज भाई है, ये लोग अभी तक आप लोगों से मुलाकात करने नहीं आए, आखिर क्या वजह है नहीं आए अभी तक? देखिए वारिस पठान साहब जो है वो बिहार में असद साहब के साथ दौरे पर है और फैयाज भाई से मेरी बात हुई, इंशाल्लाह शाम को फैयाज भाई आएंगे, एक पत्रकार भाई हमारे उनसे भी बात हुई फैयाज भाई की शाम को आने वाले, तो हमारी पार्टी का भी सपोर्ट हम लोगों के साथ है और वो लोग आ रहे हैं, हमारी इम्तियाज भाई से भी बात हुई है, सब हम कॉन्टेक्ट में ही। लगातार एक के बाद एक तबीयत लोगों की खराब हो रही है, परेशानी हो तो क्या है मेडिकल चेकअप में, अगर कोई ऐसा बड़े बात हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे, हमने सबको पहले इंटीमेशन किया कि हम वो करता हमारी कोई मांगे नाजायज ने, हमारी सब जायज मांगे है, जो गलत तरीके से हमारे लोगों पे यानी पीडी बनाया गया है, जो गलत तरीके से हमारे लोगों का मीटर जबरन चेंज किया जा रहा है, सब हमारी जायज मांगे वो सरकार पूरी कर सकती है, तो अगर वो नहीं करेगी तो जिम्मेदार वही होंगे। जनता के लिए आप बैठे बोले कि जनता में भी अवेयरनेस नहीं, पब्लिक वो उसको कैंडिडेट नहीं आ पा रही है जो जितना आना चाहिए, क्या अपील लगा जनता के लिए? देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं मैं यानी उनसे खुश हूँ, आज देखिए हम लोगों को रोज हजारों की तादाद में समर्थन मिल रहा है, ठीक है सबका टाइम मैच नहीं हो रहा है, लोग आते भी आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट के लोग आए, ये अभी बैठेंगे एक आधा घंटा एक घंटा टाइम देंगे और ये चले जाएंगे, उसी तरीके से लोग आते अपना टाइम देते और चले जाते, समर्थन भरपूर आ रहा है। ठीक है आप बोल रहे ज्यादा तादाद जितनी दिखना चाहिए, तो देखिए हम भी नहीं चाहते कि यानी यहाँ पर कोई यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला बने, तो लोग आते हमसे मिलते समर्थन देते हम उनको जाने देते ऐसा रोकते नहीं। अच्छा कल आपने एक वीडियो भी वायरल की थी, सीएम से आपने महाराष्ट्र के सीएम से भी अपील की थी कि टोरेंट के मामले को गंभीरता से लिया जाए, जिस तरह से शील कलवा मुमरा के लोग परेशान हैं, तो आप सीएम से और क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, क्योंकि सीएम से इसके पहले भी जब वो सीएम नहीं थे तब भी आप लोगों ने शायद मुलाकात की थी, उनको लेटर भी दिया था, अभी तो वो खैर सीएम हो गए हैं, तो क्या आपसे उम्मीदें हैं? देखिए जब हमने उनसे पहले हमारी टीम ने मुलाकात करी थी तो वो पालक मंत्री थे, उनका भी पूरा यानी राइट्स था उनके पास हर चीज करने के लिए टोरेंट के खिलाफ, तो इसके लिए मुलाकात करी, आज तो वो सीएम है हमारे क्षेत्र से ही है और ये जो मांगनी हम कर रहे हैं वो कलवा दीवा शिल टाइगर सबकी मांगनी कर रहे मुमरा के साथ साथ, ये सिर्फ हमारे एरिया की नहीं, तो और आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि काफी उन लोगों का यानी इस तरफ ध्यान रहा है हमारे शहर की तरफ, तो आज जब शहर के लोगों को तकलीफ है तो वो क्यों नहीं यानी हमारे शहर पे ध्यान दे रहे, इसके लिए मैंने अपील की थी कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हमारे लोगों के लिए और जो मांगनी हमारी है वो आप पूरी कर सकते हो, आपको पूरा राइट्स आपके पॉलिसी मेकर्स है, जो महावितरण के लोग आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं है, लेकिन आपके पास तो सब डिसीजन मेकर्स लोग है, आप खुद डिसीजन मेकर हो, तो आप अपने डेलीगेशन को भेजिए हमसे बात करने और हमारी मांगनी सुने और हमारी मांगनी पे जवाब दीजिए। तो आपने सुना कि सैफ पठान को यहाँ पर हालांकि समर्थन मिल रहा है और उन्होंने
ये भी कहा है कि सीएम से वो मांग कर रहे हैं कि टोरेंट का मामला जो है वो सील कलवा दीवा में जिस तरह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं टोरेंट की वजह से उसको लेकर जो है हल उपाय जो है निकाला जाए, इस तरह से महाराष्ट्र के सीएम से एमआईएम पार्टी के कलवा मुंडा अध्यक्ष सैफ पठान की मांग है।